गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मुंगेर यूनिवर्सिटी ने पार्ट वन और पार्ट टू जो कि बहुत ज़्यादा वेटेड था, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट जारी कर दिया। और साथ ही एग्जामिनेशन जो फॉर्म फिलअप डेट जारी किया है, उससे जस्ट 2 दिन पहले डेट इन लोगों ने जारी किया एडमिशन का, और एडमिशन अभी भी चलेगा। तो उस सब बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही आप लोग का बहुत सारा क्वेरीज था कि सर वो वीडियो जो है वो फेक है या सही है इस नोटिस के बारे में, तो ये बिल्कुल पूरे पूरी सही है। और कुछ लोग कमेंट्स में बिना मतलब का फेक लिख देते हैं, तो उन लोग किस आधार पर लिखते हैं वो भी बताया कीजिए। और ये पूरे पूरी सही है, इस चैनल पे कभी भी फेक वीडियो नहीं डाली जाती है, आप लोग निश्चिंत रहें। और कुछ लोग बता रहे थे कि 3 से 5 अप्रैल के बीच डेट आई है, 5 से 10 अप्रैल नहीं, तो उनको बता देना चाहता हूँ 3 से 5 अप्रैल के बीच जो डेट आई है वो एडमिशन का डेट है, एग्जामिशन फॉर्म फिलअप की डेट नहीं। और कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं जैसा कि बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर देते हैं, जैसे हमने कल 2020-23 और 19-22 वाले पार्ट वन पार्ट टू दोनों के लिए हमने एग्जामिशन फॉर्म फिलअप डेट के बारे में बता रहे थे नोटिस के साथ, फिर भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर 2020-23 का पार्ट वन या तो पार्ट टू का एग्जामिशन फॉर्म फिलअप कब होगा। तो आप लोग देखिए, एक वीडियो बनाने में मुझे 2-3 घंटे समय लगते हैं, उससे पहले भी न्यूज़ को कलेक्ट करना पड़ता है और फिर बनाते हैं। तो आप लोग कम से कम 5 मिनट समय निकाल के वीडियो जरूर देखा कीजिए, नहीं तो एग्जाम यदि छूट जाएंगे, किसी किसी का छूट जाता है, कमेंट भी आता है सर पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन हो गया मेरा छूट गया, तो छूट जाएंगे तो आपको सालों साल चला जाएगा। इसलिए वीडियो देख लिया कीजिए, बिना देखे ही कमेंट नहीं किया कीजिए। वही वीडियो में उसी वीडियो में आप लोग पूछते हैं जिसमें हमने डेट बता रहे होते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट कब से कब होगी, उसी में पूछते हैं सर कब होगी, तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपके सारे क्वेरीज लेके आए हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ये भी इस आप पे क्वेरी आएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगना है पार्ट वन में, साथ ही पार्ट टू में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, पार्ट टू में जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो क्या करें, इस वीडियो में सारा डिटेल, फी कितना लगना है पार्ट वन पार्ट टू दोनों का, और साथ ही पार्ट टू वाले के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे अलग अलग दोनों को बताएंगे, गर्ल्स का फी कितना लगेगा, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट है दोनों सेशन का 2020-23 और 2019-22 उन लोगों का फी कितना लगेगा, साथ ही डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में। उसके बाद पार्ट वन में जो प्रमोटेड स्टूडेंट है या जो एग्जाम नहीं दे पाए वो लोग क्या करें, साथ ही एक और क्वेरीज था कि जो लोग एडमिशन अब तक नहीं करा पाए थे वो लोग क्या कर रहे हैं। तो बारी बारी से आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, आपके जितने भी कमेंट्स होंगे सारे डॉट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि कुछ रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो लोग बिना मतलब का फेक लिख रहे थे वीडियो के अंदर, बिना देखे ही वीडियो आप लोग फेक लिख रहे थे, तो उन लोगों को बता देता हूँ। देखिए, सारे नोटिस चीज़ें हैं, जो भी सारे चीज़ें एडिट हो सकती है, लेकिन ये डेट के साथ मुहर नहीं आ सकती और सिग्नेचर नहीं आ सकती, तो ये 100% कन्फर्म है। इसका कन्फर्मेशन अब आज का न्यूज़पेपर भी दे दिया है, तो आइए देखते हैं। एमयू में आज से शुरू होगी कई सत्रों में नामांकन, रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया। तो आप लोग का कन्फर्म है कि 5 से 10 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, और उससे पहले एडमिशन भी डेट दिए दिया है, तो इससे आप लोग का डेट बढ़ भी सकता है। मुंगेर विश्वविद्यालय शनिवार से कई सत्रों में नामांकन, रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग अलग तिथियों पर एमयू का पोर्टल को खोला जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा अब 3 अप्रैल से लेकर सत्र 2019-22 से पार्ट टू में और सत्र 2020-23 का पार्ट वन में दोनों के लिए, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में फिर से एडमिशन होगा। ठीक है, पार्ट वन वाले के लिए भी और पार्ट टू के लिए भी जो छूट गए उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग एडमिशन करा लें। सिर्फ 3 से 5 अप्रैल के बीच एडमिशन होगा। एक्चुअली यहाँ पे कोई अब एडमिशन कराएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा लोग इससे पहले भी डेट बढ़ाया था तो वहाँ भी एडमिशन नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, मेन न्यूज़ यही है कि 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक पार्ट वन व पार्ट टू के लिए एडमिशन पोर्टल खोला जाएगा और आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। अब आप लोग के आगे बताएंगे जो भी क्वेरीज होगा उसके साथ ही। देखिए, यहाँ पे डेट जो कंफर्मेशन चाहिए आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट, उसके बारे में 5 अप्रैल से लेकर पार्ट वन व पार्ट टू का भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। एमयू द्वारा 5 से 10 अप्रैल के बीच बिना विलंब शुल्क के साथ 2020-23 स्नातक पार्ट वन तथा सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट टू में नामांकित छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म भरने का समय दिया गया है। तो यहाँ से भी आप कंफर्म कर लीजिए जो लोग फेक बोल रहे थे, जबकि 11 से 13 अप्रैल के बीच विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। एमयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा दोनों सत्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है, जो कि ये प्रक्रिया 5 अप्रैल से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा दोनों सत्रों के छात्र छात्राओं को 5 से 10 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है, अधिसूचना जारी कर दिया गया। तो देखिए, आप लोग पहले इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, आप लोग जागरूक रहिएगा। अब आपको बताएंगे कि कॉलेज जाना पड़ेगा या नहीं, घर से ही ऑनलाइन हो जाएगा, कैसे होगा, उस सब के बारे में सारा बताएंगे। और 7 अप्रैल से स्क्रूटनी के लिए एमयू को दिया गया, जो पार्ट 3 का बीकॉम का रिजल्ट आया, उस 7 अप्रैल से आप लोग स्क्रूटनी करा सकते हैं।
2018-21 सेशन वाले, तो आप लोग भी करा लीजिएगा और इस पर डिटेल आप लोग को दे देंगे। अब देखिए आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, फॉर्म फिलअप कैसा होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो देखिए फॉर्म फिलअप जो होगा आप लोग का ऑनलाइन ही होगा, आप लोग को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इसके बारे में और कंप्लीट यदि नोटिस कुछ आती है कि कॉलेज जाना पड़ेगा क्या, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। चूंकि बहुत कम समय दिया है तो कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, आप लोग ऑनलाइन फी पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेरी आप लोग का है कि सर फी कितना लगेगा। तो देखिए पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वाले के लिए बता रहे हैं कि फी आपको कितना लगेगा। जो भी स्टूडेंट पार्ट वन में है आपका फी जो लगेगी पार्ट वन वाले आप लोग का लगभग लगभग नियर बाय 300 रुपीज लगेगा एग्जाम फी, 300 के लगभग। और सारे स्टूडेंट का इसमें सेम ही लगता है एग्जाम फी, चूंकि सबको कॉपियां सेम देना होता है, मार्कशीट सेम देना होता है, तो 300 रुपया लगेगा। और पार्ट टू जो वाले जो हैं उनके लिए भी आपका भी फी वही 300 लगना है, आपके लिए भी वही फी 300 रुपया ही लगेगा, लगभग लगभग 300 रुपया, ठीक है। और ये ऑनलाइन पेमेंट करना और स्लिप अपने पास रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेरी को हम लोग देखते हैं। अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेरी है कि सर गर्ल्स का कितना फी लगेगा। तो देखिए गर्ल्स लोग का जो भी है 2020-23 सेशन, 2019-22 सेशन, पार्ट वन और पार्ट टू दोनों, गर्ल्स लोग का कोई आप लोग का कोई फी नहीं लगता था एडमिशन में, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन में आप लोग को भी कॉपियाँ और ओमार दी जाती है, इसलिए आप लोग का भी फी वही सेम 300 रुपया ही लगेगा गर्ल्स लोगों के लिए। लेकिन आप लोग का एडमिशन जो होती थी उसमें गर्ल्स लोगों को माफ़ किया गया था यहाँ पे, क्योंकि सरकार चाहती है कि गर्ल्स का एजुकेशन लेवल बढ़े, इसलिए आप लोगों को माफ़ किया गया था। लेकिन एग्जामिनेशन फी लगेगी, यदि इसे भी माफ़ करती है तो मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी आप लोग का करंट न्यूज तक 300 रुपया ही लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेरीज था आप लोगों की सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा पार्ट वन और पार्ट टू दोनों वाले के लिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हमने बना रखा है, आप लोग को डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए ये पार्ट वन वाले के लिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, इसमें आपको बारी बारी से हम डिफाइन कर देते हैं। देखिए पार्ट वन जो 20-23 वाले सेशन के हैं उनका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा MU का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, ये आप लोग को कन्फर्म याद होना चाहिए। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो आपके लिए क्रिएट पासवर्ड या तो फॉरवर्ड पासवर्ड आप लोग के लिए एक वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा। उसके बाद 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट लगेगा। फिर आपका जो फी है ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा वो स्लिप आपको देना होगा, फी पेमेंट स्लिप। और उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये कैंडिडेट OBC और SC ST के लिए सिर्फ है, UR जनरल में जो भी हैं गर्ल्स हो या बॉयज हो उन लोग के लिए कोई खास सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और OBC SC ST के लगे लगेगा। ये भी कास्ट सर्टिफिकेट कॉलेज पर डिपेंड करता है, कोई कॉलेज लेती है कोई कॉलेज नहीं भी लेती है, तो आप लोग के पास यदि कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो ले लीजिएगा। तो ये पार्ट वन का आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया होगा क्या क्या लगेगा। एक बार MU यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप 10th मार्कशीट 12th मार्कशीट और फी ऑनलाइन पेमेंट का स्लिप और कास्ट सर्टिफिकेट। अब आइए पार्ट टू का रजिस्ट्रेशन हम लोग दिखाते हैं कि पार्ट टू में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट टू का डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है, अब इससे बारी बारी से हम डिफाइन कर देते हैं आप लोग को। पार्ट टू डॉक्यूमेंट्स 2019-22 सेशन वाले के लिए सबसे पहला तो आपका MU यूजर आईडी और पासवर्ड तो मस्ट है, ये हमेशा ही लगेगा आपका पार्ट टू पार्ट वन पार्ट थ्री जहाँ भी रहिए। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप आप लोग का भी लगेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया। उसके बाद पार्ट वन का जो पासिंग मार्कशीट है वो लगेगा, यहाँ पे 10th 12th का मार्कशीट नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि 10th 12th का मार्कशीट पार्ट वन में ही ले लिया गया था। यहाँ पे आप लोगों का लगेगा पार्ट वन का पासिंग ये मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। फिर कॉलेज पे डिपेंड करता है, OBC SC ST स्टूडेंट के लिए, UR जो जनरल स्टूडेंट हैं गर्ल्स हो या बॉयज हो उनके लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो देखिए पार्ट टू का एक बार और देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। MU यूजर आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए, पासवर्ड याद नहीं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर वीडियो बनाएंगे। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप, फिर पार्ट वन पासिंग मार्कशीट, फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट OBC SC ST, ठीक है। अब देखिए इस पर हम वीडियो अलग अलग भी बना सकते थे पार्ट वन पार्ट टू के लिए, लेकिन अभी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुरंत में, सब लोग परेशान है, सब कमेंट कर रहे हैं, इसलिए साथ में देख लेते हैं। एक दो मिनट ज़्यादा समय लगेगा लेकिन आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। अब नेक्स्ट क्वेरीज आप लोग का था कि सर पार्ट वन में जो प्रमोटेड स्टूडेंट है वो लोग क्या करें। तो देखिए जो भी पार्ट वन में प्रमोटेड थे और ऑनर्स पेपर में प्रमोटेड थे उन लोग को एग्जाम आप लोग को देना होगा, और पार्ट टू का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, उसके साथ ही आप लोग भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आप लोग भी एग्जाम में बैठ जाइए, फिर क्लियर कर लीजिए तो अच्छी होगा। इसलिए पार्ट टू में जो भी प्रमोटेड है वो पार्ट टू वाले फॉर्म फिलअप कर लीजिए और फिर अपना ये पास कर लीजिए ऑनर्स पेपर जो भी है, और कॉलेज से भी आप लोग पूछ लीजिएगा ज़्यादा इसके इन्फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए पार्ट वन में जो प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा। तो पार्ट वन में प्रमोटेड स्टूडेंट है वो लोग पार्ट वन का उसके साथ फॉर्म फिल कर लीजिएगा और पार्ट वन का आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आपका ऑनर्स पेपर यदि प्रमोटेड है तो आपको एग्जाम देना ही देना होगा, और कॉलेज से इसके बारे में और भी पता कर लीजिएगा। उसके बाद जो लोग अब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप डेट आप लोग का आ चुका है, अब आप लोग को लग रहा होगा सर ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये क्वेरी आप लोग का क्लियर हो गया कि ऑनलाइन ही आप लोग का होगा।
और ऑनलाइन आप लोग को घर बैठे ही अपने से खुद से पेमेंट करना है एग्जाम फॉर्म फिलअप, ये एग्जाम फॉर्म का फी 300 रुपया जो आप लोग को बताया गया, और कॉलेज से वेरिफिकेशन मस्ट है या नहीं। तो देखिए ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के मोड पे। आप लोग पिछले बार भी देखा होगा जो जो कि पार्ट टू में आप लोग वो लोग के कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाना जरूरी कर दिया था, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, और लास्ट के 2-3 दिन हो जाने के बाद से फिर से कॉलेज वेरिफिकेशन को हटा दिया गया था। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी कैसा स्टूडेंट को परेशान करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट बाद में करने दे दिया जाएगा, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा। यदि कॉलेज वाला कुछ वेरीफाई नहीं करता है या तो आपके कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उतना ज़्यादा परेशान मत होइएगा, आप लोग का एडमिशन एग्जाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और साथ ही आप लोग देखिए समय निकाल के थोड़ा वीडियो देखा कीजिए, बहुत मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे हमारा व्यूज नहीं आएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हम आप लोग के सेशन पे कैसे वीडियो बनाएंगे। अदर यूनिवर्सिटी वहाँ भी बनाने की मन करता है, लेकिन आप लोग को हम शुरू से लेकर चल रहे हैं और ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, तो आप लोग भी देखा कीजिए। और ऐसा कमेंट नहीं किया कीजिए कि सर जिसके बारे में हम उस वीडियो में बताए रहते हैं वही चीज़ कमेंट करते हैं। आप देखिए इस वीडियो में हम आप लोग को एग्जामिनेशन कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, फॉर्म फिलअप होगा, या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा इसके बारे में बता दिए, अब फिर भी कमेंट्स आएगा सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए और वीडियो का समाप्त करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे भी हैं, उनसे हम लोग मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग को बाय नेम हम जरूर पहचानते हैं, चेहरे से नहीं पहचानते लेकिन बाय नेम हम जो रेगुलर जुड़े हुए हमारे साथ उन लोग को हम पहचानते हैं, और उन लोग को थैंक्स भी कहते हैं कि आप लोग हमेशा से हमें सपोर्ट करते हैं। और इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं, पसंद आने पर लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।